Hello everyone, welcome back to my channel Har Har Mahadev. So today's video is all about the hair care product. There is a comparison actually between two of the products. मैंने गार्नियर का, अगर मैं अपना आई बटन में वो वीडियो छोड़ दूंगी, मैंने गार्नियर का बनाना वाला जो हेयर मास्क आया था, मैंने उस वक्त उसको यूज़ किया था और उसमें और इस जो आज मेरे पास प्रोडक्ट है उसमें मुझे कुछ डिफरेंसेस दिखाई दिए. तो इट्स एन ऑनेस्ट रिव्यू, सो इफ़ यू वॉन्ट टू बाय दिस प्रोडक्ट प्लीज़ वॉच दिस वीडियो बिफोर बाइंग द प्रोडक्ट. आउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इन टू द वीडियो. Which I am talking about is the Garnier Macadamia Hair Food Smoothening. So, मैंने इसको भी यूज़ किया है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ. उसको यूज़ करते मुझे ऑलमोस्ट वन मंथ हो गए हैं और मैंने गार्नियर वाला यूज़ किया था, बनाना फूड जो था. स्मेल दोनों की बहुत ही अमेजिंग है, पैकेजिंग दोनों की सेम है, एकदम कंसिस्टेंसी भी दोनों की बहुत सेम है. ये भी देखो ऐसा, वो भी आप ऐसे करोगे तो ऐसे एकदम इतना क्रीमी कंसिस्टेंसी है कि वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है. एंड देन एंड दिस इज रिटन इट्स फॉर ड्राई एंड अनरूली हेयर. तो मैं अपना हेयर टाइप बता दूं, मेरा स्कैल्प बहुत ऑयली है, माई हेयर इज ड्राई, ठीक है. और इसमें नो सिलिकन, नो पैराबेन, नो आर्टिफिशियल कलरेंट्स एंड इट्स वीकेंड एज इट इज सेल. तो इसमें ऐसा था कि आप इसको कंडीशनर की तरह अप्लाई कर सकते हो, मास्क की तरह अप्लाई करते हो, लीव इन मास्क की तरह अप्लाई करते हो. मैं इसको हेयर मास्क की तरह ही अप्लाई करती हूँ. मैं वीक में दो बार अपने बाल धोती हूँ और मैं दोनों बार ही इसको हेयर मास्क की तरह अप्लाई करती हूँ. अपने बाल पे लगा के इसको 10 टू 12 मिनट्स या कभी कभी 6 मिनट्स छोड़ के मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ. अब जो इन दोनों का कंपैरिजन है, इसने जो स्मूथनिंग वाला क्लेम किया, मुझे नहीं लगता कि ये एक्चुअली में उसको जस्टिस देता है जो ये क्लेम कर रहा है. क्योंकि मेरे हेयर बनाना वाले हेयर मास्क से जितने सॉफ्ट और सिल्की रहते थे, इससे नहीं रहते हैं. क्योंकि मैं इसके बाद, इसके टॉप अप, लाइक जब मेरा हेयर थोड़ा सा वेट, लाइक सेमी ड्राई हो जाता है, तब मैं ट्रेसमे का आर्गन ऑयल वाला सीरम भी यूज़ करती हूँ. अब मुझे ऐसा लगता है अगर मैं गार्नियर बनाना फूड यूज़ करती तो वो शायद ज़्यादा वर्क कर रहा था मेरे हेयर पे रेदर देन दिस. मैं ये नहीं कहती ये प्रोडक्ट खराब है, पर ये मेरे हेयर टाइप के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है. तो मैं इसको दोबारा परचेज तो नहीं करूंगी. अगर मुझे जब भी इन्वेस्ट करना होगा तो मैं गार्नियर फूड वाले पे ही इन्वेस्ट करूंगी, मतलब बनाना फूड वाले पे ही इन्वेस्ट करूंगी. वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा. अगर आपको सूट करता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा और आपके हेयर टाइप पे कैसा चला. सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू डू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक खुश रहिए, आसपास खुशियां बांटिए. बाय.